गाइस, वेलकम टू माय चैनल आराधना ब्लॉग। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि मैं बनाने वाली हूँ वर्ल्ड्स बिगेस्ट चॉकलेट। सो गाइस, मैं बहुत सारे डेयरी मिल्क को मिला के एक बड़ा सा डेयरी मिल्क बनाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये 40 रुपीज का पैक है, फिर भी ये थोड़ा बड़ा है। अगर हम 5 रुपीज का ले तो वो इतू सा होता है, मतलब इतू सा। तो हम देखते हैं कि हम कितना बड़ा बना पाते हैं। तो चलिए फिर प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट। बनाने वाले हैं बहुत बड़ा चॉकलेट। इस चॉकलेट बनाने के लिए हम आ गए हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले हमें एक बड़ा सा कोई भी बर्तन रख देना ताकि वो पानी गर्म होते रहे। तो सो गाइस, सबसे पहले हम इस बर्तन में पानी ले लेंगे और इसे गैस पे रख। सो गाइस, हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो पानी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम मोल्ड दे देते हैं हमारा। तो ये है हमारा आज का मोल्ड। हम इसी में इसी शेप का अपना चॉकलेट बनाने वाले हैं, तो इसे साइड में रख देते हैं। हमारा पानी गर्म हो। सो गाइस, हम सबसे पहले पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। तो हम इसे इस तरीके से पकड़ के पानी में इस तरीके से डाल देंगे एंड फिर इसे हम मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। मेरा चॉकलेट रेडी हो रहा है, मैं इसे मोल्ड में डाल रही हूँ। सो गाइस, हमारा जो चॉकलेट है ये मोल्ड में चला गया है। आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है। मैंने इसको डबल लेयर दिया है, मीन्स ऊपर ये मिल्क चॉकलेट है, नीचे डार्क चॉकलेट। तो आपको बड़ा सा चॉकलेट दिखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसे पहले मैं रख देती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए, देन हम इसे देखेंगे कि ये कितना बड़ा हुआ है। चलिए फिर इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो गाइज, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी चॉकलेट कैसी बनके आने वाली है। चॉकलेट तो चॉकलेट जैसी ही आएगी, बट इतनी बड़ी सी चॉकलेट मैंने कभी देखा है और ना मैंने कभी खाया है। तो अगर आप लोग ने देखा भी है और खाया भी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो बहुत मजा आने वाला है। अभी मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है, 5 से 10 मिनट लगेंगे उसे सेट होने के लिए। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको मिलती हूँ उसको सेट होने के बाद। 10 मिनट हो गए हैं तो मैं देख लूँ मेरे चॉकलेट को सेट हुआ कि नहीं। या सो गाइस, ये इजीली निकल, तो मतलब ये सेट तो हो गया। आप देख सकते हैं गिरेगा नहीं क्योंकि ये इजीली सेट हो गया है। बट इसके नीचे मैंने कोई भी बटर पेपर नहीं लगाया, तो मुझे डर लग रहा है कि ये टूट ना जाए। बस आई होप ये अच्छे तरीके से निकल जाए। तो चलिए फिर इसे निकालते हैं। हे भगवान, ओ शिट 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 गाइस, ये तो टूट गया। आपको सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं क्रैक आ गया है। और मेरा इतना बड़ा चॉकलेट नहीं निकल पाएगा, ये इजली निकल जाता है, बट मैंने गलती कर दी। अब ये देखो कैसे निकलता है। ओ गाइस, मेरा चॉकलेट तो टूट गया। मैंने बहुत मेहनत की थी चॉकलेट बनाने के लिए, तो ये सब अरमान मेरे टूट गए। तो आधा इधर है और गाइस आधा भी मोल्ड से निकला ही नहीं है। मुझे लग रहा है ये प्रॉपर सेट ना होने की वजह से ही ये टूट गया। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी।
मेरा चॉकलेट टूट गया। बट गाइज हमने ट्राई तो किया कि हम ये चॉकलेट बना ले। सो गाइज अब तो चॉकलेट टूट गया बट हमने बनाने का बराबर से ट्राई किया। अगर मैंने प्रॉपर सेट किया होता तो हमारा ये जो चॉकलेट है ये इतना बड़ा तो हो ही जाता क्या, इतना बड़ा हमारा चॉकलेट होता। तो मैं वापस से कभी ट्राई कर लूंगी कि मैं प्रॉपर बड़ा सा चॉकलेट बना पाऊँ। तो वहाँ पे चॉकलेट चोर अपने देख सकते, चॉकलेट चोर टूट गया मेरा चॉकलेट और ये खुश है खा खा के। सो गाइज आई होप आप लोग को मजा आया होगा ये वीडियो देख के और आपने इंजॉय किया होगा कि मैंने बड़ा चॉकलेट बनाने की कोशिश की बट नहीं बना। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।